अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहार अहमद है एबी न्यूज़ से। हमारे साथ मौजूद है सद्दाम बलोच, आइए पूछते हैं इनसे इस इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, आप हमें बताएं कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में आपको किस मुश्किलात का सामना आया और आपने कितनी मेहनत की? देखिए, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने में बेसिकली प्रॉब्लम्स तो आते हैं, और ख़ासकर बलूचिस्तान में, फिर क्वेटा में। एक्चुअली हम लोग काम वैसे ही कर रहे हैं 13 ईयर से इवेंट प्लानिंग का, तो इस हिसाब से नहीं कॉन्टेक्ट्स डेवलप थे, मगर ये था कि यहाँ पे बेसिकली क्वेटा बाउंड बेसिकली स्टॉल्स लगाना है, बंदों को मोटिवेट करना, लाना, प्रेजेंट करना, ये एक टास्क था। बाकी कराची, गिलगित, उधर से हमारे जितने भी थे, वो बेसिकली जितने भी स्टॉल ओनर्स थे वो पहुँच गए, मगर बलूचिस्तान में बेसिकली सकाफती हिसाब से लोगों का बेसिकली रुझान कम रहा है इस चीज़ पे, तो इस पे प्रॉब्लम्स हुए हैं हमें। सर, आप हमें ये बताएं कि इस इवेंट में कौन कौन से लोग आए हैं? पाकिस्तान के चारों सूबों से, बशमूल गिलगित और कश्मीर से यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। इस इवेंट से इनको क्या, मतलब क्या फ़ायदा है इनको हासिल होगा? बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि अपने को इंट्रोड्यूस कराना बेसिकली लोकल मार्केट में, और बेसिकली जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके स्टॉल्स लगे हुए हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना था। ये इवेंट आप लोगों ने इधर क्वेटा में क्यों रखा, मतलब आप कराची वगैरह में भी रख सकते थे? बेसिकली ताल्लुक हमारा बलूचिस्तान से है, तो इस वजह से क्वेटा से हम लोगों ने स्टार्ट लिया इवेंट का। तो आपका इवेंट कैसे चल रहा है अभी? इवेंट आपके सामने, आप देख सकते हैं कि बेसिकली आवाम के किस तरह से रुझान है इवेंट की साइड पे। नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पे क्वेटा ब्यूटम्स एक्सपो सेंटर में एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया जो कि बहुत ही अच्छी तरह जा रहा है। हमें इजाज़त दीजिए। सहार अहमद, एबी न्यूज़।